ओम शांति। आज 22 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली बहुत मीठी मीठी शिक्षाओं से संपन्न है। बाबा हम सबको व्यवहार शास्त्र की बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं, जिसमें बाबा ने मुख्य रूप से कहा कि इस समय तुम बच्चों को बाबा की सेवा के लिए सदा तत्पर रहना है, जरा भी आपस में लून पानी नहीं होना, अर्थात खिचपिट ना हो, बहुत बहुत मीठा बनना है, आपस में एक दूसरे को मिलते हुए ईश्वरीय ज्ञान की बातें अवश्य सुनानी है, ईश्वरीय ज्ञान की लेन देन करनी है। इस ज्ञान मार्ग में कोई गीत, कविताएं, डायलॉग इनकी आवश्यकता नहीं, बस चुप रहकर बाबा को याद करना है। बाबा ही लिबरेटर है, इससे सिद्ध हो जाता है कि जब वो लिबरेट करने वाला है तो कोई विकारों में फंसाने वाला भी है। विकारों में फंसाता है रावण, जिन्हें 5 विकार कहा जाता है। बाबा आते हैं दुखों से लिबरेट कर सुखों में ले जाने। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई, कोई भी कर्म करते याद रखो, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। कर्म का प्रभाव दूर दूर तक जाता है, इसलिए कर्म करने से पहले ये बात याद रखनी है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो, उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन है, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? जब बाप दुखों से 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता, उनको कहा जाता दुख हरता सुख करता, तो कभी किसी को दुख कैसे दे सकता है। जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण, रावण माया श्रापित करती है, बाप आते हैं वर्षा देने के लिए। माया श्रापित करती है, रावण श्रापित करता है, बाबा आते हैं वर्षा देने। गीता, जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉग आदि की ज़रूरत नहीं, ये सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बात, हर बात बुद्धि से समझनी है भी बहुत सहज, यानी ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा धोरी करना है। बाबा कहते, वो सब करते हुए तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो? घर गृहस्थ में रहते, धंधा करते, मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो? मैं समझाते, उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है, अंदर में विचार चलता रहे। बाबा ने समझाया, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता। बच्चों को समझाया गया, बाप नई सृष्टि रचते हैं फिर पुरानी होती है। सुख दुख की दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, किसी को पता नहीं। बनी बनाई भी जरूर है, इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। उसको कहा जाता ड्रामा, नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है, कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे, बायोस्कोप तो सब अब निकले हैं। बायोस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी। ये बायोस्कोप निकला है इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझाने के लिए। नाटक में फ़र्क हो जाता है, बायोस्कोप में फ़र्क नहीं हो सकता। ये एक स्टोरी है, नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्यों को ये पता नहीं ड्रामा की आयु कितनी है, बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी। मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। बाबा जैसे क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर के ऐसा भाषण करें, भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए,
भारत को ऐसा किसने बनाया, ये भी महिमा निकलेगी परम पिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, दुख देने वाले 5 विकार हैं। सत्युग त्रेता को सुखदाम कहा जाता, वो है ईश्वरीय स्थापना, ये फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। समझते भी हैं बाप ही लिबरेट करते, जो लिबरेटर है वो फंसाने वाला थोड़ा ही होगा। उनका नाम है दुख हरता सुख करता, उनके लिए हम दुख हरता कह नहीं सकते। बाबा है दुख हरता सुख करता, ये किसी को पता नहीं। दुख देने वाले 5 विकार हैं जिससे बाबा आके छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है, सिर्फ लंका की बात नहीं, सिर्फ लंका में ही रावण राज्य है ऐसा नहीं, पूरी ही दुनिया में 5 विकारों का राज्य है। मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं, जिसको बुद्धि में जो आया वो लिख देंगे। वैसे ये शास्त्र हैं, अपना अपना शास्त्र बना देते, मनुष्यों को कुछ पता नहीं। भगवान उवाच, ये वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप करना, जो कुछ तुम करते आए सब उतरती कला के हैं। जो कुछ तुमने बनाया वह अपने को गिराने के लिए। तुमको मत मिलती है, तुम्हें मत मिलती रही पहले गिरने की, उतरती कला की। पावन दुनिया थी, अब पति दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया, आधा कल्प है पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे के बाद पूरा हो फिर रात होती है, वैसे ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाई जाती है। विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे, ये बड़ी गुह्य बातें हैं, सिवाय बाप की और कोई समझा ना सके। बाबा समझाते, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अभी जो अपनी बादशाही थोड़ी स्थापन हुई है, बाबा कितना सहज बच्चों को समझाते, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये बातें तुम अबलाएं भी समझा सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया को रचने वाला बाप है, नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नर्क किसने बनाया? रावण ने बनाया। रावण कौन है ये राज भी तुम्हें समझाया गया, कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझा सकते। वो तो कह देते जगत मिथ्या है, सब कुछ कल्पना है। तुम समझा सकते हो, अगर जगत बना ही नहीं तो तुम बैठे कहाँ हो। ये जो वर्ल्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए, नॉलेज ना होने के कारण कह देते सब कुछ मिथ्या है। जिसने जो सुनाया सो सुनाया, उसी को सत्य मान लेते, तुम तो एक बात में ही खुश होते हो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, बाप ने आधा कल्प का वर्षा दिया, फिर रावण से हराया, ये खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं और उनके श्रीमत पर चल रहे हैं। ईश्वर के बने हैं, ईश्वर के मत पर चल रहे हैं। ये चित्र बड़े अच्छे हैं, सबके पास बड़े अच्छे चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पे समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने है, कलयुग है काला पतित, उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए। भारत गोल्डन एज था, अब देखो आयरन एज में चेंज होना है। गोल्डन एज था, आयरन एज हो गया, फिर से गोल्डन एज बनना है, उसकी स्थापना, इसका विनाश होना है। गाया जाता परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं, रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों देवताएं हैं अलग अलग। इन सबसे ऊँचते ऊँच है परम पिता परमात्मा शिव, करण करावनहार, उनको गुम कर दिया। देवताओं से भी ऊपर वह निराकार भगवान है, जैसे बाप निराकार हम आत्माएं भी निराकार हैं। हम यहाँ आए हैं पार्ट बचाने। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी, एक दो के पिछाड़ी राज्य करते आते तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, नई दुनिया थी। बाप ने ही नई दुनिया रची थी। बाप 16 कला बनाते, कहते बच्चे मन मना भव माम एकम याद करो। बाबा बच्चों को 16 कला बनाते, कहते मन मना भव माम एकम याद करो। ये भगवान उवाच, उनको पतित पावन कहा जाता। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, कहेंगे बस ये श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं,
किसी में भी भाव बैठ जाता, फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल देते, गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते। बस ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर तो गुरु और ईश्वर में फ़र्क नहीं रहा, ऐसे ढेर हैं। बाबा तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज समझाते, बाबा बैठ नई दुनिया रचते। अब बाप को सब बुलाते हैं, आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमें पावन बनाए ले चलो। धाम है तो निर्वाण धाम, सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते, जीवन मुक्ति के लिए तो दे नहीं सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पूज्य थे फिर से तुम्हें पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है, कुमार कुमारी की भी महिमा होती है, क्योंकि वो पवित्र है ना। श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण के साथ फिर महिमा राधे की भी होनी चाहिए, परंतु किसी को पता नहीं पहले राधे फिर कृष्ण क्यों कहते। राधे कृष्ण, कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहेंगे। समझते बच्चा वर्षे का हकदार बनता, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यहाँ तुम सब हो बच्चे, बाबा कहते जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ऊंच पद पाएंगे, कल्प कल्पांतर के लिए। बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ से तुम ऊंच पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है, खुशी मनाते हैं। यहाँ बच्ची पैदा हो खुश, बच्चा पैदा हो तो खुश होते हैं, बच्ची पैदा हो तो इतने खुश नहीं होते। हर एक की रस्म अपनी अपनी है, तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा। बाप वर्षा देते हैं, श्राप माया देती है। ये गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, श्री कृष्ण के लिए कभी कह ना सके। परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सहज ज्ञान और योग वही सिखाते हैं। परमात्मा ही सहज ज्ञान और योग सिखाते हैं, ऐसे से भाषण तुम कर सकते हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया, गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो रचना है, उनको भी वर्षा बाप से मिला, वो कैसे आओ तो समझाएं। कोई भी बात उठाकर उस पर समझाने लग जाओ, पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाता। अभी अनेक धर्म हैं, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कितना समझाया जाता, पांच विकारों को छोड़ो, घर में भी किसी पे क्रोध नहीं करो। मीठी शिक्षाएं बाबा की, घर में भी किसी पे क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा, मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। बाबा फरमान करते अब पवित्र बनो, स्त्री को भी पवित्र बनाओ, कोई पर क्रोध मत करो, तुम्हें देखकर वो भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है, तो स्त्री को भी समझाना चाहिए, फिर अगर तकदीर में ही नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे। समझाना है, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा समझाते तुमने 84 जन्म कैसे लिए, पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो में आए, अब फिर मुझे याद करो, पावन बनो। गीता के वर्षन से भगवान कह रहे हैं, गीता के महावाक्य ही भगवान कह रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती। समझाने की भी हिम्मत चाहिए, बाबा समझाते रहते। बहुत बच्चे समझते हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भूले करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते। लून पानी थोड़ा ही बनना है, समझाया जाता ऐसा नहीं करो, लून पानी नहीं होना। कोई तो ऐसे हैं जो एक दो का रिगार्ड भी नहीं रखते, अपने से बड़ों को भी तुम कह के बात करते हैं। कोई कोई तो रिगार्ड ही नहीं रखते, अपने से बड़ों को तुम कह के बात करते हैं। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला, हम जाके सेवा करें। बिगर कहे जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी ना करे तो डैश 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 उसका क्या नामकरण किया जाएगा, स्वयं सोच सकते हैं। ईश्वरीय सेवा मिली मतलब मेवा मिला, जब भी सेवा मिली समझो भाग्य का द्वार खुला। खुशी खुशी सेवा करनी है, अपने आप जो करते हैं वो देवता, कहने से करने वाले मनुष्य, जो कहने से भी नहीं करते तो उनको क्या कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा ये बात याद रखनी है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना। श्रीमत के अनुसार कर्म करने हैं, श्रीमत के विपरीत कोई काम नहीं करना। सर्विस का बहुत शौक रखना है, बिगर कहीं सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना। बहुत ही सुंदर वरदान, एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मोज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मोज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युगी रूहानी मोजों में रहने का युग है, इसलिए सदा मोज में रहो, कभी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति व परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई, उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंत मते सोगते क्या होगी। इसलिए सदा एवर रेडी रहो, कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप ना बने। सदा स्मृति रहे, मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूँ। स्मृति रहे, मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इस पर अटेंशन रहे। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करो, विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। आज याद रखेंगे, मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, विशेष आत्मा हूँ। आज पूरा दिन मस्तक में चमकने वाले सितारे को देखेंगे, अपने को याद दिलाएंगे, मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, विशेष हूँ। मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल विशेष है। मैंने स्वयं इस बात को रियलाइज किया है, मेरा हर संकल्प बोल विशेष होना चाहिए। बाबा ने अपनी शक्तियां देकर मुझे विशेषताओं से संपन्न बनाया है। मन वचन कर्म से मुझे अटेंशन देना है और विशेष कार्य करना है। ओम शांति शांति।